Delhi-based Akshat Sinha is the director of Untitled Creations Private Limited. Basically, Akshat is a mechanical engineer who completed his bachelor's and master's degree from RPFU Moscow, Russia in 1998. He was with corporates till 2006, which is when he decided to retire. Then he pursued a diploma in fine arts, and since then he has been working and experimenting in different fields of art. Akshat has exhibited his paintings in several group and solo shows. He has participated, organized and curated many national, international art camps, residencies and exhibitions over the last decade. He was the pride curator of Indian Contemporary Pavilion at Art Russia 2017. Akshat curates and organizes the 24 days long multidisciplinary annual art festival I Am Identity Art Marathon. Apart from visual arts, Akshat is involved and very active in writing, publishing and performance. Currently, Akshat is associated with Indira Gandhi National Center for the Arts and working on culture management. We welcome you, Akshat, in Art Pe Charcha. Yeah, Akshat, so welcome again. Thank you so much. So, हमारे अटेंडीज के लिए मैं बता दूं, ये बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, एज आर टॉपिक सजेस्ट हाउ टू सर्वाइव एज एन आर्टिस्ट. तो जो भी अक्षत बताते हैं, इनका बहुत कॉर्पोरेट में भी एक्सपीरियंस रहा है, आर्ट में भी एक्सपीरियंस रहा है, इन्होंने पेंटिंग भी की है एज एन आर्टिस्ट, फिर इन्होंने आर्ट प्रमोशंस में अपना बहुत काम किया है. पहला क्वेश्चन अक्षत, मैं ये पूछना चाहूंगा, हाउ टू सर्वाइव एज एन आर्टिस्ट में जब हम बात करते हैं अपने यहाँ के आर्ट कॉलेजेस और डिजाइन कॉलेजेस की, जहाँ से बच्चे पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, अलग अलग कोर्सेज हैं, बैचलर इन फाइन आर्ट्स हैं, बैचलर इन डिजाइन है, बैचलर इन विजुअल आर्ट्स है, फिर मास्टर्स भी वैसे ही हैं, तो ये बहुत सारे हमारे जो कॉलेजेस और स्कूल्स हैं वो प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं, कर देता है, बट बहुत सारे ऐसे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज भी हैं हमारे यहाँ, और बहुत प्रोफाउंड यूनिवर्सिटीज है जहाँ से बच्चे पढ़ के पास आउट हो जाते हैं और फिर उनको समझ में नहीं आता वेयर टू गो, हु टू अप्रोच. हमारा सेक्टर इतना अनऑर्गेनाइज्ड है कि हमें समझ में नहीं आता, कोई भी ऐसा रास्ता प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है कि यहाँ पढ़िए और आप कलो के एक अच्छे आर्टिस्ट बन जाएंगे, या ब्रेड एंड बटर कमा पाएंगे, या अच्छे क्यूरेटर बन जाएंगे और डिजाइनर बन जाएंगे, या आप जिस भी फील्ड में, कॉन्जर्वेटर और म्यूजियोलॉजिस्ट जो भी हैं, तो आप इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए. एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अक्षत टू बी लिटिल बाइलिंगुअल, क्योंकि हमारे दो पिछले दो जो हमारे सेशंस हुए हैं उसमें फीडबैक आया है कि थोड़ा सा बाइलिंगुअल अगर हम हो जाए तो इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर कनेक्टिंग. या प्लीज. नहीं, थैंक्स उज्ज्वल, ये तुमने बहुत अच्छा किया कि जो तुमने सेट करा है ना अभी प्लेटफॉर्म, जिसके अंदर डिस्कशन हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉलेज लेवल से ही, कि जब लोग जो हैं वो पढ़ के निकल रहे हैं एकेडमिक किसी इंस्टीट्यूशन से, जहाँ उन्हें कला के बारे में जो है सिखाया जा रहा है, कला की और भी अलग अलग चीजों के बारे में सिखाया जाता है, दुनियादारी के बारे में भी सिखाया जाता है, तो जब एक आर्टिस्ट को सरवाइव करना पड़ता है, बाहर निकल के अपने पैरों पे खड़े होना पड़ता है, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए कई चीजों की जरूरत है, जिसमें कि पैसे की भी जरूरत होती है और अपने एक खुद कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाने की जरूरत होती है, अपनी एक प्रैक्टिस बनाने की जरूरत होती है, अपनी समझदारी और अपनी सूझबूझ और अपना एक डायरेक्शन जो है वो तय करने की जरूरत होती है. तो ये सब तो ऐसा नहीं होता कि आपको डिग्री मिली या डिप्लोमा मिला या सर्टिफिकेट मिला और आपको ये सारी चीजें जो है वो ठीक हो गई. चीजों को डेवलप होने में समय लगता है. तो हमें क्या करना चाहिए, तो आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे अकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से प्लेसमेंट्स होती हैं. अनफॉर्चुनेटली पिछले कई सालों से जो रेगुलर इंस्टीट्यूशंस, रेगुलर से मेरा मतलब है जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग रिलेटेड हो, चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम की तरफ हो, इकोनॉमिक्स की तरफ हो, क्योंकि दुनिया और इंडिया की जो है वो इकोनॉमी पे थोड़ा सा दबाव रहा है, जिसकी वजह से जो प्लेसमेंट्स हैं वो अपने में एक चैलेंज रहा है.
तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि बाकी इंडस्ट्रीज के अंदर नहीं है। और अगर हम आर्ट एंड कल्चर को भी एक इंडस्ट्री की तरह देखें, जो अनफॉर्चुनेटली लोग नहीं देखते, जबकि देखना चाहिए, क्योंकि लोग इसके अंदर अपने परिश्रम का इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने समय का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इनपे रिटर्न्स मिलना बहुत जरूरी है और होना भी चाहिए उनके लिए, जो इसके ऊपर अपना 24 घंटे अपना हर वक्त जो है वो इसी के अंदर लीन कर देते हैं। लेकिन हाँ, अगर जो लोग इसको एज अ साइड हॉबी करते हैं, आई एम श्योर दैट दे हैव एन ऑप्शन कि वो अपनी एक रेगुलर कोई जॉब जो है वो किसी ऑफिस में जो है वो ढूंढ सकते हैं, अपना कोई बिजनेस अपना साथ में चला सकते हैं, अपनी कोई भी और पैसा कमाने का जरिया बना सकते हैं और जिसके थ्रू वो अपनी हॉबी को फंड कर सकते हैं। लेकिन जो लोग आर्ट की तरफ घुस रहे हैं, अब आर्ट के भी दो मायने हैं। आर्ट है एक कोर थ्योरेटिकल आर्ट, जो एक जो मेन विधाएं जो है कला के अंदर हमने देखी हैं, चाहे वो स्कल्पचर में हो, विजुअल आर्ट्स में हो, परफॉर्मेंस में, परफॉर्मिंग आर्ट्स में हो, ये एक कोर आर्ट्स हैं। बट इन कोर आर्ट्स के भी बियॉन्ड बहुत सारी आर्ट्स हैं जो अप्लाइड आर्ट्स की हैं, जो एक अपने में एक अथाह सागर है, जो मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग उसे क्राफ्ट का नाम देते हैं, जो गलत है। क्राफ्ट वो चीजें हैं जो वो जो सबके लिए जो है वो इजी हो गई हैं। ये एक अंडरस्टैंडिंग है क्राफ्ट की, उनकी कंजम्पशन सबके लिए होती है, सब कुछ होता है, इस वजह से जो है उसको क्राफ्ट कहा जाता है। लेकिन जो अप्लाइड आर्ट है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि ज्वेलरी मेकिंग हुई, फैशन डिजाइन हुआ, आर्ट डिजाइन, आपकी फिल्म मेकिंग हुई, इन सब चीजों के अंदर और बहुत हमारे जीवन के हर रूप के अंदर कहीं ना कहीं कला जुड़ी हुई है। कला का मतलब आपकी नजर खोलता है, आपको एक अपना एक्सप्रेशन, अपना जो आपका अंदर का एक्सप्रेशन है उसको बाहर निकालने की एक जो है वो प्लेटफॉर्म देता है, एक जरिया देता है आपको। तो हम तो हर चीज के अंदर करते हैं, जब मैं टेबल पे अपनी प्लेट, चम्मच और ग्लास रखता हूँ, वहीं से कला शुरू हो जाती है, मैंने कैसे रखी। खाना बनाना अपने में एक विधा है, उसको कैसे कैसे एक्सप्लेन करा जाएगा, कैसे मैं चाहूंगा कि लोग उस, क्योंकि हम खाने को भी खाने से पहले देखने में आधे से ज्यादा उसका मजा लूट चुके होते हैं और फिर उसकी जो है वो खुशबू। तो हमारी एक कलाकार की सारी इंद्रियां काम करना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी मान लीजिए किसी बॉलीवुड फिल्म के अंदर किसी फैशन डिजाइनर के बारे में बात करें, तो उसको समझने की जरूरत है कि वो किस पीरियड के लिए जो है वो ड्रेसेस मेल के लिए कर रहे हैं, फीमेल के लिए कर रहे हैं, क्या कैमरा एंगल्स होने वाले हैं, कितना बजट है, इन सब चीजों और दायरों के बीच में बैठ के उनको अपनी जो है उड़ान लेनी है एज एन आर्टिस्ट, और फिर उसके बीच में जो है कुछ क्रिएट करना है। तो मुझे लगता है कि जो आपने एक मूल सवाल पूछा कि जो आर्टिस्ट आर्ट के कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशन से बच्चे करके निकलते हैं, तो फिर हाउ टू सर्वाइव एज एन आर्टिस्ट, तो जो मैं सबसे पहली चीजें कह रहा था कि आर्टिस्ट बनने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, कला की परिपक्व होना, उसको उसके ऊपर कमांड होना तो बहुत जरूरी है, टेक्निकल एस्पेक्ट जो है वो आपके स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, ये आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। आपको गाइड कर सकते हैं ड्यूरिंग योर एजुकेशन, आपको गाइड किया गया है और आप अपनी प्रैक्टिस को और रेपिटेटिव करके और उसके अंदर नई चीजें ढूंढ ढूंढ के और अपने सीनियर से बात करें, सीनियर आर्टिस्ट से बात करें, जो एग्जैक्टली आपने लाइन चुनी है। आर्ट के अंदर भी बहुत लाइनें हैं जो बहुत खुला हुआ बिल्कुल छतरी की तरह खुल जाता है 360 डिग्रीज के अंदर। तो आप जिस भी डायरेक्शन में चल रहे हैं, आपके जो सीनियर हैं उसके अंदर, जो आपको लगता है जिनसे आपकी अप्रोच है, आप उन तक पहुंच सकते हैं, कभी भी शर्माना नहीं चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, वो जरूर आपको गाइड करते हैं आगे बढ़ने के लिए। जहां तक सर्वाइव अगेन करने की बात है, आपकी जरूरतों के ऊपर है। अगर आपकी जरूरत फरारी से नीचे नहीं है तो सर्वाइवल आपका उसी लेवल का होगा। तो ये भी एक इंडिविजुअल को अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो उस हिसाब से सेट करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि पांव उतने पसारिए जितनी चादर होए, मैं ये नहीं कह रहा, जबकि ये भी एक बड़ी सच्चाई है और इसको जो है वो वक्त के साथ हम समझ सकते हैं। जब हम यंग होते हैं हमारे पास उड़ने की ज्यादा एबिलिटीज होती हैं, हम वो कर सकते हैं जो आगे चल के शायद हम रुक जाते हैं करने से। सो हमें चांसेस लेने चाहिए, हमें लोगों से बात करनी चाहिए और उस डायरेक्शन अपनी जो कला है उसको और जो है वो सुंदर बनाना चाहिए और जो है वो कंप्लीट उस फिटनेस के साथ बाहर निकले कि जब वो निकले तो आदमी कहे हाँ जी ये चीज जो है वो देखने लायक है। बहुत सी और चीजें, मान लीजिए कोई पेंटर है तो पेंटर को
एज अ प्रोडक्ट वो क्या बनाएगा, वो या तो स्केचिंग करेगा तो उसके स्केचेस बनेंगे, अगर वो पेंटिंग करेगा तो कैनवासेस बनेंगे, वॉल पे म्यूरल्स बनाएगा, कुछ ऐसा करेगा, तो जो भी इस तरीके की चीजें हैं, कई बार वो अपने लिए करेगा, कई बार वो कमीशन करेगा, तो कमीशन किसके लिए करेगा, वो किसी जो है वो प्राइवेट घर के लिए कर सकता है, वो किसी कॉर्पोरेट के लिए कर सकता है, किसी मॉल के लिए कर सकता है, वो किसी के लिए भी कर सकता है, लेकिन उन तक पहुंचेंगे कैसे, बात उस चीज की है कि ये रिश्ता बनेगा कैसे, वो जानेंगे कैसे कि आप आर्ट करते हैं, तो उसके लिए आप आज की तारीख में हम ये सेशन भी जो है ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन से अच्छा मीडियम अपने बारे में दूसरों तक पहुंचाना मतलब इससे तो कोई आसान चीज ही नहीं है। आज फेसबुक पे आप अपनी मार्केट प्लेस बना सकते हैं, इंस्टाग्राम पे अपना जो है वो बना सकते हैं अकाउंट, और ना सिर्फ अकाउंट बट आप अपना जो प्रोसेस है वो डाल सकते हैं, और भी चीजें जो है आपके पास, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, वेबसाइट बनाना भी अब कोई जो है वो बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं रह गई है। देर आर अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स ऑल्सो विच विल हेल्प यू टू क्रिएट योर ओन वेबसाइट, टेम्पलेट्स हैं, आप उसमें अपनी फोटोज इमेजेस डालिए अपने वर्क्स की, एंड पीपल कैन रीच आउट टू यू, आप अलाउ तो करिए लोगों को आप तक पहुंचने का, है ना। इसके अलावा आपके जो आर्ट है उसमें आपको सरवाइव करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये जरूरी है कि आपकी सोच किस चीज पर है। हमारे शॉर्ट टर्म जो है वो एक्सपेक्टेशंस और गेन्स होते हैं, और हमारे लॉन्ग टर्म गेन्स होने चाहिए, हमारे गोल्स होने चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, कि क्या हम जो है आज मैं ये कर रहा हूँ, आज मैं अगर मान लीजिए मैं एक्रेलिक में पेंटिंग कर रहा हूँ कैनवस के ऊपर, क्या मुझे यहीं तक सीमित रहना है या मेरा आगे क्या एम है, मेरे एम शॉर्ट नहीं होने चाहिए, मेरे एम लॉन्ग होने चाहिए। सो सर्वाइवल कैन बी फॉर द शॉर्ट टर्म बट देर हैज टू बी अ लॉन्ग टर्म प्लान इन प्लेस, जिसके लिए मुझे लगता है जो मैंने अपने बारे में भी करा, और मैं हर 2-3 साल में जो है कुछ ना कुछ नया सीखता रहता हूँ, क्योंकि अपने आप को अप टू डेट रखना, नई चीजों को जानना, नई लैंग्वेजेस को जानना, नए कल्चर्स को जानना, ये सारे जो है आपकी ही जो कैरेक्टर है उसको और वेल राउंडेड करता है। और ये चीजें जब आप मान लीजिए आर डी बर्मन ने जब गाने बनाने शुरू करे, अगर उन्हें जो है वो अफ्रीकन ड्रम्स का और उनकी बीट्स का एक्सपोजर नहीं होता तो वो चीजें उनके उसमें आना पॉसिबल ही नहीं था। तो हर चीज जो है आपको इंस्पायर कर सकती है, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कॉपी करें, ऑल्दो स्टडी करना बहुत जरूरी है, स्टडी करने से आपके हाथ को एक मौका मिलता है कि आप उसको डायरेक्टली ट्रांसलेट कर सकें, इंस्टेड ऑफ कि आप जो है उसी में फंसे रहे कि यार मैंने सोच तो लिया लेकिन मैं इसे जो है वो अब प्रोड्यूस कैसे करूं, मैं इसे एक्सप्रेस कैसे करूं। सो टेक्निकल तो आपने कर लिया बट आपको अपनी लैंग्वेज को बढ़ाने के लिए और उसको जो है वो वर्सेटाइल करने के लिए देखना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए जब मौका मिले। और आज की तारीख में अगर जो है वो बाहर जाने का पॉसिबिलिटी नहीं है तो जितने म्यूजियम्स हैं दुनिया के, मेरे ख्याल से सबने अपने जो कलेक्शंस हैं वो ऑनलाइन कर दिए, फिर वो चाहे जो है वो विजुअल आर्ट के हों, वो चाहे फैशन डिजाइन से रिलेटेड हो, वो चाहे हॉलीवुड के म्यूजियम्स हों, चाहे बॉलीवुड के म्यूजियम्स हों, इंडिया वर्ल्ड वाइड सारे म्यूजियम्स कोशिश करके अपना कलेक्शन अवेलेबल बना रहे हैं लोगों के देखने के लिए। तो मुझे लगता है ये चीजें देखने से आपका जो दायरा है काम करने का वो और बढ़ेगा। What this also does is कि जब आप इन चीजों को देखते हैं तो आपको उन चीजों से अलाइन होने का मौका मिलता है जो आपके जो है वो दिल के करीब हैं। और प्रॉब्लम ये है कि आपको हम और आपको पता ही नहीं है कि क्या चीजें हमको पसंद हैं जब तक कि हमने उन्हें एक्सपीरियंस नहीं करा, जब तक कि हमने उनको जो है देखा नहीं, चखा नहीं। आप चक के चीज को जो है छोड़ सकते हैं, किसी को टिंडा नहीं पसंद तो नहीं पसंद, इसमें कोई बुराई थोड़ना है, लेकिन टिंडा खाया ही नहीं तो फिर कैसे पता। तो मुझे लगता है कि ये जो एक्सपोजर्स हैं ऑनलाइन देखने के, जो आज की तारीख में समय भी हमारे पास है और ये अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल है कि म्यूजियम्स हुए या इस तरीके की और भी आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड जो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब ने अपना कंटेंट लाइव करना शुरू करा है क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग उनके बारे में जो है डायरेक्टली जाने, क्योंकि हम लोकली नहीं कर पा रहे हैं। सर्वाइव करने के लिए हमको पैसे कमाने पड़ेंगे और अपनी सोच और अपने इंसानियत को जो है वो जागृत रखना पड़ेगा, यही 2-3 चीजें हैं जिंदगी की, है ना। तो पैसे कमाने के लिए वी विल हैव टू फाइंड किस तक हमें पहुंचना है, कौन हमारा बायर है एग्जैक्टली।
आप जो चीज करते हैं, क्योंकि आर्ट की जैसे मैंने बताया बहुत अलग अलग रूप है, अगर आप कोई टेक्सटाइल डिजाइन करते हैं तो टेक्सटाइल डिजाइन के जो है वो डायरेक्ट एप्लीकेशंस होते हैं, यूजर्स होते हैं जो टेक्सटाइल्स की सेल्स करते हैं, डेफिनेटली इस तरीके के हाउसेस से आपको जो है मिलना चाहिए। बट उसके साथ साथ क्या टेक्सटाइल जो है वो अपने में विजुअल नहीं है, तो क्या उसके और जो है वो इंस्टॉलेशन में क्या वो यूज किया जा सकता है? सो इस तरीके के जो न्यू मीडियम है, तो हमें न्यू मीडियम की तरफ भी जानना चाहिए कि क्या क्या और लोग कर रहे हैं, और ऐसी चीजें हमें सोचनी चाहिए जो हम शायद सोचते हैं डिफरेंटली हैं, बट लेट्स नॉट री इन्वेंट द टायर। तो हमें जानना चाहिए कि कहीं टायर पहले से ईजाद तो नहीं हो चुका। सो ये जो लर्निंग है और एक्सप्रेशन है, ये दोनों चीजें साथ साथ करना बहुत जरूरी है। इससे हमारा जो है एक स्टॉक बिल्डअप होता है। ऑल्सो जब हम किसी को दिखाना चाहें, कोई आपसे कहे, मान लीजिए उसकी कोई उसको कोई आपकी चीज पसंद आई, तो वो जानना चाहेगा कि वो ये भी जानना चाहेगा कि क्या जो आपने जो ये चीज दिखाई है इसके अलावा भी कोई और चीजें हैं आपके पास। तो ये जो आपको अपना जो है वो बिल्ड करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है सर्वाइव करने के लिए। मुझे लगता है जितना काम करें और जितना एक्सपोजर क्रिएट करें अपने लिए, ये दो चीजें बहुत जरूरी है। बहुत बहुत बढ़िया, एक बहुत ज्यादा इनलाइटनिंग था ये, बहुत कुछ पता चल गया इससे, स्पेशली उन लोगों के लिए हु आर स्टूडेंट्स और हु आर बिगिनर्स इन दिस फील्ड। तो एक आप देखिए, ये द कंक्लूजन ऑफ दिस द होल कन्वर्सेशन इज कि सबसे पहला तो आप स्किल पे काम कीजिए। देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ डूइंग हार्ड लेबर, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपना स्किल प्लोरिफाइड करना पड़ेगा, वो अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। सेकेंड इज थोड़ा सा कनेक्शन बढ़ाइए। कनेक्शन कैसे बढ़ेगा, प्रीवियस सेशन में भी हमने यही डिस्कस किया था कि आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा, अपना प्रेजेंस दिखाना पड़ेगा, आपको म्यूजियम्स टूर करने पड़ेंगे, आपको गैलरीज विजिट करनी पड़ेंगी, आर्ट से रिलेटेड लोगों से मिलना होगा। अभी कोविड के समय फिजिकल प्रेजेंट की जरूरत नहीं है, तो अक्षत ने बहुत अच्छी बात बताई कि वर्ल्ड के सारे म्यूजियम्स और मैक्सिमम गैलरीज अपना वर्चुअल टूर लेके आ चुके हैं आपके घरों तक। आपके आप वेबसाइट खोलिए एंड यू कैन हैव ऑल द नॉलेज एंड एवरीथिंग, ऑल द एक्सपोजर रिलेटेड टू दोज म्यूजियम्स एंड गैलरीज एंड आर्ट वर्क्स। उसके अलावा आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू डिफरेंट न्यू मीडिया, आपको नए नए ढंग से लोगों से जुड़े रहना पड़ेगा, अपडेट खुद को रखना पड़ेगा क्या चल रहा है मार्केट में, क्या नहीं चल रहा है। उसके अलावा आपको एक्सपोजर की बहुत जरूरत है, ट्रैवल कीजिए, घूमिए, लोगों से मिलिए और ट्राई टू गेट एज मच एज एक्सपोजर एज यू कैन। सो ये कुछ मंत्राज हैं। उसके अलावा मैंने सब कुछ नोट कर लिया जब अक्षत बोल रहे थे, तो एक बड़ी अच्छी चीज इन्होंने बताई कि यू शुड हैव टेस्ट ऑफ एवरीथिंग। आप जब तक सब कुछ नहीं चखेंगे, आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये मिठाई मुझे पसंद है, वो वाली नहीं पसंद है, जब तक आप वो नहीं पसंद वाली को चखेंगे नहीं। तो ये अक्षत ये बड़ी अच्छी बात बताई। हम आर्ट कॉलेज, डिजाइन कॉलेज और इन सब जगहों पे देखते हैं कि जब हमारे पास 50 स्टूडेंट का एक बैच होता है, सारे बच्चे अपने अपने सिग्नेचर स्टाइल को डेवलप करने के लिए, अपने अपना गारमेंट को डेवलप करने के लिए, अपनी ज्वेलरी डेवलप करने के लिए, अपनी पेंटिंग या स्कल्पचर डेवलप करने के लिए भागते रहते हैं, और वो कहते हैं ये मेरा स्टाइल है, मैं दूसरे वाले स्टाइल में नहीं करूंगा क्योंकि मेरा स्टाइल यही है, तो मेरे को यही करना है। तो वो दूसरा स्टाइल भी आपको चखना बहुत जरूरी है। आप स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी आई ओपनिंग सेशन कि आप दूसरी चीजों को भी कीजिए, मल्टीपल चीजें कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि ओके दिस इज समथिंग विच इज गिविंग मी प्लेजर, दिस इज समथिंग विच इज गिविंग मी सेटिस्फेक्शन। और उसके बाद क्वांटिटी होना बहुत जरूरी है। 5 पेंटिंग, 5 डिजाइन और 10 स्कल्पचर्स लेके आप अप्रोच मत कीजिए किसी को भी, बहुत अनप्रोफेशनल लगेगा। यू शुड हैव अ बल्क ऑफ थिंग्स विद यू कि जो मांगे कस्टमर आपके पास अवेलेबल हो। और थोड़ा सा अप्लाइड आर्ट को भी एक्सपोज करना बहुत जरूरी है कि अगर आप पेंटिंग में है, स्कल्पचर में है, डिजाइन में है, एक्सक्लूसिविटी बहुत बढ़िया है, आपकी अपनी चीज है, आप एक्सक्लूसिव चीजों को बनाइए, बट साथ साथ आप वैसी भी चीजों पे काम कीजिए जो आपको इमीडिएट ब्रेड एंड बटर का सोर्स दे दे। आप कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर लीजिए, आप कुछ पोस्टर्स भी बना लीजिए, जिससे आपका ब्रेड एंड बटर आता रहे और फिर आप अपने काम को और अपनी चीजों को आगे बढ़ा सके। तो अक्षत आपने ऑलरेडी जवाब दे दिया मेरे दूसरे क्वेश्चन का भी। आई वॉज अबाउट टू आस्क कि आपका बैकग्राउंड कॉर्पोरेट का रहा है और फिर आप आर्ट में आ गए, तो जो नए लोग होते हैं जिनका आर्ट में अकेडमी में नहीं गए होते, किसी चीज से जुड़े नहीं होते, ऐसी जगह जहां उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो, बट वो अच्छा लिखते हैं तो वो आर्ट राइटिंग में जाना चाहते हैं, या वो अच्छी पेंटिंग बनाते हैं या अच्छा स्कल्पचर बनाते हैं, बॉन्ड क्वालिटी होती है,
तो वो मार्केट को अप्रोच करना चाहते हैं. तो मेरे को लगता है कि ये जो जो चीजें आपने बताई हैं, दीज आर द मंत्रास ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, इट विल इम्प्लाई विद दोज पीपल एज वेल. उनको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि उनके पास कोई नॉलेज नहीं है, तो उनको थोड़ा ज्यादा अप्रोच करना पड़ेगा लोगों को, आई थिंक. और यू कैन यू वांट टू ऐड समथिंग? यू आई वुड लाइक टू ऐड टू दैट. ये तुमने बहुत अच्छा एक मतलब, सो आई हैव पार्शियली आंसर्ड दिस क्वेश्चन ऑफ योर्स, बट मैं अपने एग्जांपल से, बिकॉज नथिंग लाइक माय ओन एग्जांपल टू शेयर. आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर, मैंने बैचलर्स करी, मैंने मास्टर्स करी, और मैंने जो है 10 साल काम करा, और उसके बाद में रिटायर हो गया, और मेरे को नहीं पता था कि मुझे क्या करना है. पुराने पड़े कैनवस पे, जो मेरी मदर का कोई पुराना कैनवस पड़ा था, मैंने थोड़ी सी उसपे कैनवस पढ़ा था और कलर्स पड़े थे उनपे, कुछ चलाया, अच्छा लगा. आई डिड नॉट रिटायर बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स. आई वॉज वेरी वेल प्लेस्ड, आई हैड माई ओन कंसल्टिंग फर्म, वी वर डूइंग वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी. जॉब वॉज ऑल्सो, मतलब द रोल वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, आई यूज टू एंजॉय इट, बट वो मजा पता नहीं क्यों चला गया था. एंड आई सडनली रियलाइज कि जिंदगी का यही एक दायरा नहीं हो सकता, देयर मस्ट बी समथिंग मोर टू माय लाइफ, व्हिच इज व्हाई आई क्विट. एंड देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि मैं क्या करूंगा. तो जब वो कैनवस उठाया, उसके ऊपर कुछ मैंने किया, तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि बचपन में मैं करता था, मैं अपने फ्रेंड्स को जो है कैनवस पेंट करके देता था. वो अलग बात है, पोस्टर कलर के होते थे, बट दोज यूज टू बी द गिफ्ट्स दैट आई यूज टू गिव, बिकॉज माई मदर यूज टू पेंट जब मैं छोटा था. देन एकेडमिक्स हो जाती हैं और मेरा आर्ट से दूर दूर तक फिर नाता नहीं रहा, ऑल्दो इंजीनियरिंग में भी ड्राइंग होती है, बट वो एक अलग तरीके की है. सो व्हेन आई डिड दैट आई रियलाइज्ड कि अगर मुझे इस चीज को मजा तो आया, लेकिन अगर इसे परस्यू करना है तो मुझे इसको थोड़ा सा और टेक्निकल इसके एस्पेक्ट्स को समझना पड़ेगा. तो मैंने, क्योंकि कुछ और नहीं कर सकता था, और हैबिटेट सेंटर में एक सैटरडे संडे वाला कोर्स होता था 3 महीने का, मैंने वो 3 महीने किया, फिर मैंने उसे एक्सटेंड करके 6 महीने तक किया. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि यार ये मैं यही करना चाहता हूँ, मैं आर्ट ही करना चाहता हूँ. आर्ट से मतलब मुझे बनाना पसंद है, मुझे क्रिएट करना पसंद है, मुझे एक्सप्रेस करना जरूरी है. तो इसलिए मैंने जो है फिर एक कॉलेज ज्वाइन करा, प्राइवेट कॉलेज, एक साल वहां पे फाइन आर्ट्स का कोर्स किया. उसके बाद अपनी एग्जीबिशन करी, सोलो शो किया. एंड इन सब के अंदर मैंने ये रियलाइज करा कि मैं किसी भी एक छोटे दायरे के अंदर नहीं बंधना चाहता. आई ऑल्सो डिड इंस्टॉलेशन, आई डिड पोएट्री, आई डिड शॉर्ट स्टोरीज, आई डिड कॉमिक्स. हमने कॉमिक ऑन में पिछले मतलब करीब 5 साल तक हम लोग अपनी कॉमिक्स रिलीज करते रहे. वी ऑल्सो रिलीज पब्लिश थ्रू माई कंपनी ऑल्सो. 3D आर्ट करी. सो इन सब की तरफ मेरा खुद का जो है वो मन था कि मैं चीजों को जानूं. जितना ज्यादा मैं जान सकूं, मैं उतना ज्यादा उस चीज को जो है वो करने के बारे में सोच सकता हूं, और अलग अलग चीजों को एक साथ जोड़ के जो है एक नई कॉकटेल अपने लिए तैयार कर सकता हूं, क्योंकि ये मेरी जिंदगी और इस जिंदगी का मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है. सो जब हम इस तरीके से कोई और भी अपनी जिंदगी के साथ करना चाहे, तो कितना अच्छा हो कि वो अलग अलग चीजों को जब जोड़े तो वो एक नए ढंग से जो है अपनी जिंदगी को जी पाए. Just to conclude on that, मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे आप कहीं से भी पढ़कर आए हो, आपने कभी भी करा, इट इज नेवर टू लेट टू लर्न. पहली बात तो ये, आपने किसी भी उम्र में कोई भी चीज सीखना चाहते हो, आप कभी भी कर सकते हो. मैंने 34 की एज में जब मैंने आर्ट ज्वाइन करी, तब मेरे आसपास के ज्यादातर लोग या तो वो थे जो अभी अभी कॉलेज के लिए तैयारी कर रहे थे जो प्राइवेट कॉलेज था, या फिर वो थे जो 70 से ऊपर के थे और अब हॉबी के लिए कर रहे थे. मैं वहां बीच में कुछ अजीब, मेरे जैसे मुझे और दुनिया में मिलते रहे जिन्होंने बाद में चेंज. आप सबका छोटे प्रयाग शुक्ल जी, जो एक बहुत ही अच्छे आर्ट क्रिटिक हैं, कई कविताएं उन्होंने लिखी हैं, कई उन्होंने शो क्यूरेट करे हैं बिहार म्यूजियम में, पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं करे. कोरोना और COVID-19 के टाइम में जब कोई और चीज नहीं हो पाती है, मैंने देखा है उन्होंने अपनी ड्रॉइंग बनानी शुरू कर दी है. सो इट इज नेवर टू लेट. और अगर हम सबको भूल जाए, मुझे उनको, हम सबको भूल जाए, तो जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, तो जब सब कर चुके थे, गीतांजलि वगैरह सब कर चुके थे, तब उन्होंने आर्ट करनी शुरू करी. सो देयर इज नेवर एनी एज वेर यू कैन नॉट स्टार्ट एनीथिंग न्यू. वी आर ह्यूमंस, वी विल ऑलवेज अडैप्ट. तो एक इस चीज को सोच के चलेंगे तो आई थिंक कोई अगर नहीं भी, जैसे मेरे जान पहचान के कई लोग हैं जिन्होंने कॉलेजेस में भी नहीं पढ़ा है, बट उन्होंने अपनी प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग करी. लेकिन करना तो पड़ेगा.
बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात बोली अक्षत ने, इट्स नेवर टू लेट, आपको जब भी शुरू करना है कीजिए, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस सेक्टर। आप किसी टेक्नोलॉजी में हैं या आप किसी एमएनसी में काम कर रहे हैं या आपका बैकग्राउंड मेडिकल या ये रहा है एमबीए रहा है या इंजीनियरिंग रहा है या कुछ भी ऐसा रहा है, वहां पे यही लिमिटेशन है कि एक एज के बाद पीपल वोंट कंसीडर यू, बट दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस सेक्टर कि आप जितने बड़े होते जाए उतने ज्यादा आर्ट आपके, आप जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं आर्ट जवान होती जाती है। सो बहुत बहुत अच्छे से बताया अक्षत ने, और अनम्यूट कर रहा हूँ, यू कैन आस्क क्वेश्चन, प्लीज गो अहेड। सबसे पहले गुड आफ्टरनून अक्षत सर, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ जितने भी हैं, और मेरा सवाल एक ही है, बड़ा सिंपल सा, बड़ा साधारण सा है, बीइंग एन आर्टिस्ट हम गैलरी को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कैसे अप्रोच करना चाहिए, मतलब क्या तरीका है, क्या काम लेके जाए, कैसे जाए, वो चीज मतलब कोई है नहीं बताने वाला, किस तरह से अप्रोच। बिल्कुल, आप जो सवाल पूछ रहे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा सवाल है और बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि इसका कोई एक साधारण जवाब नहीं हो सकता। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप जो है कोई भी आर्टिस्ट अपने काम को लेके किसी गैलरी तक जाना चाहता है, तो सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जिस गैलरी के पास आप लेके जाने वाले हैं उस गैलरी की क्या जो है पोर्टफोलियो है, वो किस टाइप के वर्क्स को जो है वो डिस्प्ले करते हैं या प्रेजेंट करते हैं, उनके क्लाइंटल किस तरीके की, जो जनरली आप उनकी वेबसाइट पे या उनके कैटलॉग्स पे या उनके यहाँ जाके आपको दिख सकता है। क्योंकि मान लीजिए अगर आप जो है वो मधुबनी आर्ट बनाते हैं और कोई कंटेम्प्रेरी आर्ट की गैलरी है, तो शायद मिलान होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। तो इसलिए कि आपका एफर्ट बेस्ट यूटिलाइज्ड हो, आपको जो है कोशिश करनी चाहिए जिस तरीके का आपका काम है उस टाइप की गैलरीज कौन कौन सी हैं, उन तक आपको कैसे पहुंचना, आप कैसे पहुंचने के लिए आपके पास अपना जो है डेफिनेटली एक आपको रेज्यूमे बनाना चाहिए जो आपके बेसिक क्वालिफिकेशंस को डिफाइन करता हो। बहुत लंबे की जरूरत नहीं है, एक पेज का भी चलता है, आपका काम आपके बारे में बोलेगा। आपके अगर शोज वगैरह हुए हैं तो उसका एक सेपरेट एक पेज लग सकता है जिसके अंदर आप डिफाइन करें कि आपने किन किन शोज में या किन किन अवार्ड्स को आपने जो है वो अटेन किया, ये आपके अचीवमेंट्स हैं। इसके अलावा आपके वर्क्स की, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता अगर हम अपने कामों की फोटो लेके उसका एक छोटा सा एक साथ में ब्रोशर बना लें, तो एक हैंडआउट की तरह होता है, देने की जरूरत नहीं है लेकिन दिखाया जा सकता है, क्योंकि जो चीज फिजिकली देखने में होती है इट इज फास्टर। मैं विजुअल आर्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत सी अलग अलग तरीके की आर्ट्स हैं, बट विजुअल आर्ट में मतलब ये करना आसान है। प्लस आप जो है अगर आप इंटरनेशनल भी कर सकते हैं लोगों को अप्रोच, आप ढूंढ सकते हैं किस टाइप के इंडियन आर्टिस्ट को मानते हैं। ख्याल से बेसिक मैंने आपको बता दिया है, बट ढूंढिए कौन सा करेक्ट आपके लिए गैलरी है और उसको मेल से या फिजिकली आपको दिखाना चाहिए अपना काम। पार्ट व्हाट आई एम गेटिंग, ये पहले सेशन में क्या दिखा मेरे को अक्षत, कि आवर प्रीवियस स्पीकर्स आर आल्सो लिसनिंग दिस सेशन, सो वेरी फैमिलियर फेसेस आर देयर, शतादृ सर इज देयर, सो ये बहुत अच्छा है, बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी हमसे जुड़ते जा रहे हैं, तो और एज एवरीबडी इज प्रेजिंग, और मैं एक बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को, सब लोगों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे इस आर्ट पे चर्चा की शुरुआत, ये एकेडमिकली हमने एक शुरुआत की सत्यम फैशन इंस्टीट्यूट की ओर से, और वो इतना ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है कि नाउ आई एम विटनेसिंग लॉट ऑफ डिफरेंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हैव स्टार्टेड डूइंग दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम। ये तो ये आर्ट के लिए, डिजाइन के लिए और आप आर्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज है। वो हम अकेले चले थे, लोग जुड़ते गए और कारमा बनता गया वाली बात हो रही है। सो ये बहुत है, अर्चना झा ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, थैंक यू सो मच मैम। ये एक तो चीज हमें पता चल गई कि हम एकेडमिकली अगर क्वालिफाइड हैं अपने आर्ट, अपने डिजाइन, अपनी चीजों को लेके। आपने जो लास्ट में बोला उसमें मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि जो आपने लास्ट में बोला, इट्स नॉट अबाउट ओनली विजुअल आर्ट्स, इट्स अबाउट डिजाइन एंड दोज थिंग्स, फैशन डिजाइन एंड दोज थिंग्स एज वेल। वहां पे भी अगर पोर्टफोलियो आप स्ट्रॉन्ग करते हैं और लोगों से जाते हैं, फिजिकली दिखाते हैं, या आजकल तो बहुत अच्छा सिस्टम है ऑल ओवर वर्ल्ड अप्रोच करने का, मेल वी हैव मेल्स, वी हैव सोशल मीडिया, तो वहां से भी बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं, बहुत फायदा होता है हमें। तो एक तो हमें ये समझ में आ गया कि अगर हम कॉलेज से पढ़े लिखे हैं तो हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, अगर हम सेल्फ टॉट हैं तो कैसे आगे बढ़ना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीइंग अ प्रोफेसर ऑफ अ डिजाइन कॉलेज, मेरे को भी बहुत बार बच्चे पूछते हैं, जब मैं फाइन आर्ट्स कॉलेज में था मैं भी अपने मेंटर से पूछता था ये क्वेश्चन, कि आर्ट इज समथिंग विच कम्स फ्रॉम इनसाइड,
इट इज समथिंग विच गिव्स यू प्लेजर, ये हमें बुकिश ढंग से भी बताया जाता है और हम उसको फील भी करते हैं. लेकिन अगर कोई रोने वाली चीज फील कर रहा है, कोई सैड है, तो वो उसके आर्ट में भी रिफ्लेक्ट होता है. और फिर वो आर्ट किसी म्यूजियम को बहुत पसंद आ जाता है कि ओ माय गॉड द आर्ट इज टोटली द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज थॉट, और वो किसी जमाने में उसको अक्वायर करता है, नहीं करता है. लेकिन गैलरीज उसको पसंद नहीं करती, वो रोता हुआ बच्चा कोई खरीद के अपने घर में नहीं लगाना चाहता. इन द सेम वे अगर हम फैशन इंडस्ट्री में भी देखें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी देखें, तो अगर हम कुछ एक्सपेरिमेंटल करते हैं, कुछ रैम वेयर जैसी कोई चीज डिजाइन करते हैं, तो वो तो अप्रिशिएशन बहुत मिलता है. न्यूज़पेपर में प्रेस रिलीजेस आ जाते हैं, इंटरव्यू हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं. बट वी कांट मोनिटाइज दैट, हम उसको पैसे में तब्दील नहीं कर पाते, जिससे हम कहीं ना कहीं हतोत्साहित होकर आर्ट को छोड़ने की भी बात करने लगते हैं एक लेवल पे जाके कि भाई पैसे तो ये दे नहीं रहा, केवल नाम से हमारा क्या होगा. तो इन वन हैंड वी आर गेटिंग अप्रिशिएशन, और हम कुछ फूल पत्ती या कोई वैसी चीज बना देते हैं जो खूबसूरत होता है, जो कोई भी खरीद लेता है और हमारे पास पैसे आ जाते हैं. तो इन अनदर हैंड वी आर गेटिंग मनी. तो एक तरफ हमें सेटिस्फेक्शन नहीं है लेकिन पैसा है, दूसरी तरफ हमें सेटिस्फेक्शन है लेकिन पैसा नहीं है. तो इन दोनों के ब्रिज को हम कैसे मिलाएंगे? आप थोड़ा सा फैशन को भी इंक्लूड कर लीजिएगा, डिजाइन को भी कर लीजिएगा, और आप विजुअल आर्ट्स को तो बिल्कुल ही कीजिए. या बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मुझे लगता है अल्टीमेटली आर्ट को समझने के दो ही तरीके हैं, या तो वो प्रोडक्ट हो सकता है या वो एक्सप्रेशन हो सकता है, या वो एक तीसरी चीज है जो एक्सप्रेशन और प्रोडक्ट को कंबाइन करती है. यही तीसरी चीज का जो दिस इज द बैलेंस विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू मैनेज. लेकिन मुझे क्या लगता है कि उसको ऐसा प्रोडक्ट देखना कोई गलत चीज नहीं है अपने आप में. लेकिन द मोमेंट यू से कि एक प्रोडक्ट है, कोई भी चीज आप बना रहे हो, आप गैलरी बना रहे हो, चाहे आप जो है वो टेक्सटाइल डिजाइन कर रहे हो, चाहे आप पेंटिंग बना रहे हो, स्कल्पचर बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आप उसको एज अ प्रोडक्ट देख रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसकी अपनी कॉस्ट इन्वॉल्व है, जिसमें आपकी लेबर कॉस्ट इन्वॉल्व है, जिसके अंदर की उसको स्टोर करने के लिए वेयरहाउसिंग इन्वॉल्व है, ये सारी चीजें इन्वॉल्व है उसके अंदर, एक्सपेंडिचर है उसके ऊपर, तो उसकी जो वैल्यूएशन है वो अल्टीमेटली मार्केट करेगा. मार्केट को कौन डिफाइन करता है? मार्केट को हमेशा बायर डिफाइन करेगा, ऐसा मैं बिलीव करता हूं. तो परेशानी क्या है, जैसा आपने स्टार्टिंग में बोला कि आर्ट अपने में बड़ा ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, बिल्कुल सच बात है, और इसको और ऑर्गेनाइज करना हम ही आर्टिस्ट को पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी जरूरत है. सबसे पहले आर्ट कौन सी, मान लीजिए अगर विजुअल आर्ट की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा कौन सी पेंटिंग्स लोग अपने घर में लगाते हैं? रोता हुआ बच्चा नहीं लगाते हैं, ये आपने बिल्कुल सही बोला. या तो भगवान के जो है चित्र लगते हैं, या फिर जो फूल पत्ती लैंडस्केप इस तरीके के बेसिक, या अगर आप हॉस्पिटल्स वगैरह या कॉर्पोरेट्स में देखें तो स्ट्रेट लाइंस हैं, एब्स्ट्रैक्ट हैं, जो ज्यादा शाइन आउट नहीं कर रही. लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत से टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि उस आर्ट में कोई नयापन नहीं है, कोई एक आर्टिस्ट का अपना रूप उसमें नहीं आया होता, मुझे ऐसा लगता है. क्योंकि मुझे लगता है कि वो कॉपी पेस्ट हो रही हैं चीजें, और वो हर जगह पे बार बार सेम चीजें आती हैं. ऐसा नहीं है कि पहले हमारी जो मूर्तियां बनती थी, जो हमारा सबसे ज्यादा शिल्पकार क्या बनाते थे, हमारे यहाँ मूर्तियां बनाते थे, या खंभे बनाएंगे उनके ऊपर भी जो है कुछ चीजें बनाई जाएंगी. लोग किसी भी धर्म के होते थे, वो दूसरे धर्म के भी जो है वो मूर्तियों को बनाते थे, उनकी बिल्डिंग्स को बनाते थे, वो लोग उस चीज को फील करते थे. तो इसलिए मुझे लगता है कि जो वो प्रोडक्ट तैयार करते थे, वो एक ऐसे बायर के लिए तैयार करते थे जो प्री एग्जिस्टिंग था, उनको सिर्फ कमीशन किया जाता था, लेकिन वो उस चीज में बिलीव करते थे, वो उस चीज को बनाते थे, तो एक नया रूप निकल के आता है उस चीज. आप अगर देखें, चलिए एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, दुर्गा पूजा में बहुत सी जो दुर्गा पूजा के वो बनते हैं वो मुस्लिम बनाते हैं आज भी, और आपके जो कुंभकर्ण मेघनाद और ये जो दिवाली दशहरे पे जो है वो फटते हैं, उनमें भी बहुत से जो है मुसलमानों के बनाए हुए होते हैं. सो धर्म फर्क होने से हमेशा फर्क नहीं पड़ता, वो उस कला के अंदर जो उस चीज को साथ में जोड़ के जो है जो भी रूप बना के उनके बायर के लिए लाती है, जिसने उनको कमीशन किया है, वो उनके लिए इतना जरूरी होता है कि वो उस चीज को बिलीव करते हैं. वो उस धर्म में नहीं बिलीव करते, लेकिन वो उस चीज में बिलीव करते हैं. यही एक एक अपनी कला के अंदर बिलीव करना एक आर्टिस्ट को आना चाहिए. जब आप वो करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका रूप आपकी कला के अंदर अपने आप दिख जाएगा. तो जब वो एक प्रोडक्ट बनकर आएगा और प्रोडक्ट बन के किसी बायर के सामने आएगा, तो बायर ऑन द फर्स्ट नोट इटसेल्फ, चाहे वो एक
बहुत ही आर्ट लवर और जो है वो आर्ट के बारे में सोचने समझने वाला व्यक्ति ना भी हो, ना चलता आदमी भी हो, सुंदरता आदमी को अंदर से छू लेती। तो ये जो एक इनहेरेंट हमारी कला को जो है वो अप्रिशिएट करने की जो एक मादा है एक इंसान के अंदर, वो अपने आप हो जाएगी। आपको अपना वायर ढूंढना पड़ेगा। आपने बोला, हमने जैसे ये भी बात करी, मैंने कहा कि आपने पहले कहा और मैंने रिपीट करा कि रोते हुए बच्चे का कोई नहीं लगाएगा, बट ऐसा भी नहीं है, इसके भी बायर हैं, इसके भी बायर्स होते हैं जिनको अपनी चीजों के साथ कनेक्ट होते हुए इमोशंस को देखना अच्छा लगता है, या उनको लगता है वो उनको इतना ओवरवेल्म कर देती हैं, वो उसके अंदर डूब जाते हैं, तो उनको वो चीज, जैसे गॉर्निका जब जय पिकासो ने पेंटिंग बनाई जो वर्ल्ड वॉर के ऊपर थी और उसमें जितनी डेथ और वो हुई, तो वो तो काफी नेगेटिव पेंटिंग है, बट इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड पेंटिंग्स एंड द कॉस्टलीस्ट पेंटिंग्स ऑफ दैट टाइम। आप अगर गोया के जो है वो भूतों के बारे में बात करें, गोयास घोस्ट जो उसने पेंटिंग्स बनाई है जिसमें वो घोस्ट से लोग दिखते हैं, लोग खरीदते रहे हैं और कलेक्टर्स रहे हैं उसके। सो ऐसा नहीं है कि हर कला का नहीं मिलता, लेकिन हाँ एक होती है मास प्रोडक्शन जो कि जो है लोगों, जो कि बहुत लोग खरीद लेंगे, आपके आसपास के लोग भी खरीद लेंगे, आपने शो चाहे मॉल में लगाया चाहे किसी गैलरी में लगाया या किसी गैलरी को ऑन कमीशन दिया आपने, उन सब चीजों का ऑप्शन जो है खुल जाता है अगर वो मास अपील के लिए होती है, वो एक प्रोडक्ट। सो मुझे लगता है कि शुरुआती दौर में लोगों, एक आर्टिस्ट को क्या करना चाहिए, एक आर्टिस्ट को अपने लिए दो चीजों, दोनों रास्तों को चलते रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो आपको एक एक नए आर्टिस्ट को, इससे पहले कि वो ये कहे कि जी मैंने ये बनाया आपको यही लेना पड़ेगा, वो ईगो और वो स्टैंडिंग आने से पहले मुझे लगता है कि उसको दूसरे काम भी करने चाहिए। अब वो दूसरे काम क्या हो सकते हैं, दूसरे काम अपने ही लाइन, मान लीजिए आप साड़ियां डिजाइन करते हैं, तो एक हो सकता है वो साड़ियां आप डिजाइन कर रहे हैं जो कि एक स्पेसिफिकली आपके मन को भाती है, बट आप जानते हैं कि इस वक्त जो जो फैशन डिजाइन में चल रहा है, जो कलर्स चल रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट मार्केट से आ रही है, जो एक्सपेक्टेशन आ रही है, तो आप उनको जो है भी सेटिस्फाई करें। ऐसा मुझे लगता है कि दोनों चीजों को करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है, बट एक्सपेरिमेंट का मजा तब है जब वो थोड़ा थोड़ा रुक कर। जिसमें मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे हमारे एक रामेश्वर गुप्ता जी हैं, आर्टिस्ट हैं, आज से करीब 10 साल पहले जब मैं अपना कोर्स कर रहा था तो चांस की बात है हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से श्रीधरनी गैलरी में उनका शो लगा था, जो बहुत सालों के बाद लगा था, दसियों साल के बाद लगा था उनका सोलो शो, हम देखने गए थे और उन्होंने हमारे साथ समय बिताया। उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज बताई, उन्होंने ये बताया कि वो एक्सपेरिमेंट करते हैं बहुत, लेकिन जब वो एक्सपेरिमेंट, जब तक वो एक्सपेरिमेंट पे पूरा कंट्रोल नहीं पा लेते तब तक वो उसको चेंज नहीं करते, वो अपनी जो आर्ट चल रही होती है उसी को करते हैं। तो उनके पीरियड्स रहे हैं 10-10 साल के, 10-10 साल में पहले उन्होंने बंदरों का कुछ था, फिर उनका पॉलिटिशियंस के ऊपर था, फिर उनकी स्क्रैचिंग टेक्निक का है। सो उन्होंने टेक्निक पे, सब्जेक्ट पे, सब पे एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट को पहले आप प्रैक्टिस में लेकर आइए, फिर उसके बाद जब आप उसका सब पूरा कर चुके हों तब और नए एक्सपेरिमेंट्स करते करते साथ में, जब वो एक्सपेरिमेंट पे आपका हाथ बन चुका हो तब उस चीज को इंट्रोड्यूस करें, तो उसकी वैल्यू लोग अप्रिशिएट करते हैं। अभी लास्ट मैंने इंडिया आर्ट फेयर में उनका देखा था, लास्ट वाले इंडिया आर्ट फेयर में मैंने देखे थे और उससे जस्ट बिफोर उनका शो लगा भी था। सो ही स्टार्टेड विद रेजिन आर्ट, किताबें और वो मल्टीमीडिया नहीं कि वो पहले ऐसे करने वाले, लेकिन उस तरह से करने वाले वो पेंटिंग, क्योंकि उन्होंने उस चीज को एक्सपेरिमेंट और अब वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट लेकर आ। तो मुझे लगता है कि एक्सपेरिमेंट करना और प्रोडक्ट पे वर्क करना, ये दो साइमल्टेनियस चीजें, इन दोनों को साथ साथ चलाना चाहिए। जनरली क्या होगा कि आपकी जो हर चलाने की जो है, जो सैलरी आनी है या पैसे आने हैं आपके, मोनेटाइज करना है, वो आपके प्रोडक्ट्स के, क्योंकि हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। कुछ लोग लकी होते हैं जो अपना एक्सपोजर लेके चलते हैं, लोगों तक जाते हैं, गैलरीज तक जाते हैं, एंड दे आर पिक्ड अप बाय पीपल एंड दे आर बन इन मून सडनली जंप कर जाते हैं। लेकिन एक श्योर शॉट तरीका ये है कि आप साइड वाला तो करते रहे, एक्सपेरिमेंट करते रहे, अपने एक्सपेरिमेंट्स को जरूर आगे दिखाएं, क्योंकि जब तक आप दिखाएंगे नहीं लोग उससे जो है एसोसिएट नहीं कर पाएंगे और आपको वो स्प्रिंग बोर्ड नहीं दे पाएंगे जिससे कि आप अपनी इवैल्यूएशन बढ़ा सकें।
बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत अच्छा बोला इसको, बहुत इन अ लेमैन लैंग्वेज अगर हम समझे तो हमें रोजी रोटी साथ साथ चलाते रहनी है, अगर हमें पढ़ा के चलाना है, हमें प्रोडक्ट बना के चलाना है, हमें कुछ अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढना है तो वो चलता रहे, जिससे हम फ्रस्ट्रेटेड फील ना हो, हम डिस्करेज ना हो, और एक्सपेरिमेंटल आर्ट जो हमारा है जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, जिससे हमें ये समझ में आता है कि ओके दिस इज माई आर्ट, तो जो हमें प्लेजर देता है वो करते रहें और लोगों को दिखाते रहें। एक बहुत अच्छी चीज अक्षत ने बताई कि बायर्स हैं और हर तरह के बायर्स हैं, कुछ फूल पत्ती खरीदने वाले भी लोग हैं, कुछ बहुत एक्सपेरिमेंटल चीजें खरीदने वाले भी लोग हैं, कुछ इमोशंस को समझ के उनको खरीदने वाले लोग हैं, तो वो हमें मिल जाएंगे, बस देर उस बात की है कि हम कब उनको अप्रोच करें, हम कब तक वहां पे पहुंचते हैं। सो कीप ट्राइंग, आप कोशिश करते रहिए, कभी ना कभी पहुंच जाएंगे। मैं एक छोटा सा वाक्य अपने साथ भी शेयर, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, अभी रिसेंट मेरे साथ हुआ है, 2-3 महीने पहले एक मेरा शो चल रहा था, उसमें जो दो पेंटिंग्स मुझे, एक पेंटिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि बनाते बनाते वो बन नहीं पाया जो मेरे को बनाना था, वो मैंने खुद ही क्यूरेटर से रिक्वेस्ट किया कि आप इसको कहीं पीछे लगा दीजिएगा। दूसरी पेंटिंग ऐसी थी जिससे मैं बहुत सेटिस्फाइड था, बट मुझे ये पता था कि ये कोई खरीदेगा नहीं, बिकॉज माई इमोशंस एंड माई फीलिंग्स आर टोटली इनकॉर्पोरेटेड देयर। मेरे को लग रहा था इतना कौन खरीदेगा, ये मेरी वाली फीलिंग इनको क्या मतलब है। और आप मानिए मेरी बात कि ये एट द एंड ऑफ द शो अगर कोई दो पेंटिंग बिकी तो बस वही दोनों बिकी, एक जो मुझे खुद पसंद नहीं थी और एक जो मुझे लग रही थी कि ये नहीं बिकेगी। तो वो कौन होते हैं, वही है, ब्यूटी इज वेरी सब्जेक्टिव, एस्थेटिक्स इज वेरी सब्जेक्टिव, इट डिपेंड्स अपॉन आईज। जी हां, एक चीज कहना चाहूंगा तुम्हारी इसी बात, मुझे सुन के याद आया, मुझे जिस चीज में मैं बिलीव करता हूँ, मुझे लगता है कि हर आर्टिस्ट को इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि एक आर्ट वर्क की दो जिंदगी होती है। एक जिंदगी वो होती है जब उसे रचा जा रहा होता है, जब वो आर्टिस्ट उस पर काम कर रहा होता है, तब वो एक जिंदगी है उसकी। जब वो आर्टिस्ट वो अपने स्टूडियो या अपनी जगह से निकाल के उसको बाहर ला के दीवार पे टांग देता है, किसी को पहना देता है, कुछ और कर देता है, फिर उसकी एक अलग जिंदगी चालू होती है, क्योंकि जो उसे देखता है वो अपनी नजर से देखता है, अपनी सोच से देखता है। तो ये दो चीजें जरूरी नहीं है मिले। बिल्कुल, जैसा बिल्कुल। आपने बताया आपको बहुत पसंद थी लेकिन आपको लगता था इससे कौन रिलेट कर पाएगा, वो भी किसी को रिलेट हो गई, और प्लस जो है जो चीज आपको लगती थी शायद किसी को ये आपको ही अच्छी नहीं लगी, क्योंकि आपको पता है आप क्या बना रहे थे, दूसरे को नहीं पता है कि वो देख रहा है, उनकी शुरुआत वहां से होती है जहां आपने खत्म किया है। बिल्कुल बिल्कुल। सो नाउ द सेशन इज ओपन फॉर अटेंडीज। एक क्वेश्चन हमारे पास पहले से ही आ गया है अक्षत, वो जिन्होंने पूछा है मैं उनको दोबारा से कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं पूछ लेता हूँ। उन्होंने चैट बॉक्स में भेजा है कि हाउ टू इवेलुएट आर्ट, हम अगर इवेलुएट तो छोड़िए, हाउ टू गिव प्राइसिंग टू आर आर्ट। अगर मैंने एक कपड़ा बना लिया उसमें 5,000 रुपए का खर्चा है, या मैंने एक पेंटिंग बना ली उसमें 10,000 रुपए का खर्चा है, 3,000 रुपए का खर्चा है, लेकिन पेंटिंग्स तो बिक रही है 1,00,000 रुपए में, तो बिगनर्स को आप थोड़ा गाइड कीजिए कि भाई वो 50,000 में बेचनी है, 20,000 में बेचनी है, कैसे प्राइसिंग करनी है अपने आर्टवर्क की, साइज वाइज करना है या क्वालिटी वाइज करनी है या जैसे भी, जो भी आपको सही लगे, और फिर उसको हम ग्रेजुअली कैसे बढ़ा सकते हैं। मुझे ये लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक नए आर्टिस्ट के लिए ये होनी चाहिए कि उसका काम, उसके काम को एप्रिसिएशन मिले, एंड देयर इज नो बेटर एप्रिसिएशन देन फाइनेंशियल एप्रिसिएशन, कि मतलब आपकी पेंटिंग या आपके आर्टवर्क या स्कल्पचर या साड़ी या टेक्सटाइल जो भी आपने बनाया है उसको कोई खरीद के इस्तेमाल करना चाह रहा है। और मैं कहता हूँ ये जो आपके अप्लाइड वाली चीजें हैं जिसके अंदर जो है क्राफ्ट या आपके जो है ज्वेलरी या डिजाइन या ये चीजें, ये तो कहीं अप्लाई भी होती है, इनकी कोई यूटिलाइजेशन होता है, यूज होती है। बिल्कुल, पेंटिंग्स और स्कल्पचर तो रखे जाते हैं या टांगे जाते हैं, कोई अगर उस पे भी खर्चा करके ले जाने को तैयार है तो इससे अच्छा एप्रिसिएशन मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकता है आर्टिस्ट के लिए, पहली बात। तो दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी आर्ट जितनी जल्दी आपके यहाँ से निकल के किसी और के यहाँ पहुंच जाए उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जितने लोग उनके यहाँ देखेंगे वो उसकी एप्रिसिएशन बढ़ाएंगे। आप अपनी बात, आप अपने काम की बात करें, उससे बेहतर है कि कोई और आपके काम की बात करे, किसी ने आपका काम खरीदा होगा, पसंद आया होगा, तो उसके आसपास वो पॉजिटिविटी जो है वो अपने आप जो है ट्रैवल कर जाएगी। सो इसलिए बड़ा जरूरी है कि प्राइसिंग ऐसी रखी जाए, जो मुझे तो लगता है कि जो मार्केट में ये जो 50,000, 1,00,000 और ये सब है, ये सब इन्फ्लेटेड प्राइसें हैं जो अब एग्जिस्ट नहीं करती हैं, इन पे बिलीव कर लेना चाहिए।
रादर हमें ज्यादा काम बनाने चाहिए और ज्यादा काम लोगों तक पहुंचाने चाहिए, आपकी इवैल्यूएशन अपने आप उसमें बढ़ जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जब मैं इंडियन कंटेम्प्रेरीज का शो लेके जो है रशिया गया था, तो हमारे पास करीब 44 आर्टिस्ट के जो है वो करीब 350 काम थे और सारे तरीके के थे। मेरी कोशिश यही थी कि मैं इंडिया का डाइवर्सिटी दिखा सकूं कि हम फोक एंड ट्राइबल से लेके जो है वो लेटेस्ट जो है वो डिजिटल आर्टवर्क तक कर रहे हैं, फोटोग्राफी हो कोई भी हो, मैंने सारी चीजें मिक्स मीडिया ये सब मैंने कोशिश करी थी ले जाने की। जो प्राइसिंग मेरे पास थी, हमारे सारे काम 1 फुट बाय 1 फुट थे, इसलिए ताकि हम ले जाने में हमें आसानी रहे, डिस्प्ले में सारा सारा काम एक सिमिलर फॉर्मेट में लगे, सारे काम डिफरेंट हो। When I compared the prices of what we had planned to the prices that others were selling at, हम कम से कम नहीं तो 10 से 15 20 गुना जो है लोगों से ज्यादा जो है वो प्राइसिंग लगा रखी थी। एंड आई वॉज कंपेयरिंग विद मास्टर्स, मतलब जो जो पिछले 25-25, 30-30 साल से पढ़ा रहे हैं अकेडमी, रशियन आर्ट अकेडमी ऑफ आर्ट में पढ़ा रहे हैं 20-25 साल से, उनकी पेंटिंग सस्ती थी, जिन्होंने अभी पिछले मुझे काम दिया था, बिल्कुल हमारे पास भी जो मैं काम लेके गया था वो कई कंटेम्प्रेरी बिल्कुल यंग आर्टिस्ट से लेके मैं जो है वो सीनियर आर्टिस्ट तक के लेके गया था, चाहे आनंद मोहन बैनर्जी हो, चाहे दुर्गा पैंथुला जी हो, काफी लोग थे, मतलब 44 में काफी डिफरेंट टाइप के आर्टिस्ट थे। सो यंग से यंग का जो सस्ते से सस्ता काम था वो उनके उससे कई गुना महंगा था, क्योंकि मुझे लगता है कि ये हमारी परसेप्शन कि हमारे को एक काम अगर मैंने ये रेट तय कर दिया तो मैं इसे बदल नहीं पाऊंगा, मार्केट में मेरा ये रेट तय हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप एज एन आर्टिस्ट एज एन इंसान जो है अपने आप को और जो है वो बेहतर करते चलते हैं तो आपका काम तो बेहतर होता चलेगा। अगर आपको कहा जाए, मान लीजिए आपकी कोई एक लाल रंग की जो है वो पेंटिंग पसंद आ गई, तो क्या आप जिंदगी भर लाल रंग की पेंटिंग करते रहेंगे? नहीं ना, आप जो है उस चीज को भी बदलेंगे और आप नई चीजों को लेकर आएंगे और आप खुद सुधरते हैं तो आपका कार्य भी सुधरेगा, तो उसकी इवैल्यूएशन अपने आप बेहतर होनी है। लेकिन आज क्या करना चाहिए, आज हमको इस चीज पे नहीं अटकना है कि मैं तो जब 50,000 मिलेंगे तभी पहली अपनी पेंटिंग। मुझे लगता है कि हमारे को आज अगर मैं 5,000 में भी पेंटिंग दे देता तो बेहतर है ना, मेरे पास एक सोल्ड पेंटिंग का जो है एक क्रेडिबिलिटी है। कोई मुझसे पूछे कि भाई तुम क्या करते, जी मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरी पेंटिंग बिकती है। तो इस प्राइस ऐसी कोई ऐसी चीज है क्या, कुछ ऐसी चीज है क्या कि हम शुरू कहाँ से करें, व्हाट शुड बी द मिनिमम प्राइस, और अगर मेरे पास 10 पेंटिंग है तो मैं सबकी प्राइस अलग अलग करूं या मैं वो करूं कि भाई इस साइज की पेंटिंग की ये प्राइस होंगे या इस क्वालिटी की पेंटिंग कैसे, मतलब इसका कुछ है क्या कोई पैरामीटर? और ये कि आर्ट वर्ल्ड में फॉर अ स्टार्टिंग आर्टिस्ट जनरली वो स्क्वायर फुट वाली चीजें होने लगती हैं, और आगे भी जब आप पढ़ जाते हैं तो जिन लोगों का नाम हो जाता है जिन आर्टिस्ट का, उनके भी फिर भाई वो कैनवस कितने स्क्वायर फुट का है उसके हिसाब से एक्रिलिक में किया है या पेन से किया है, चारकोल से या ऑयल से किया है, हर चीज का जो है उसके ऊपर मार्क आता है। आई पर्सनली डोंट एग्री विद दिस बिकॉज आर्ट वर्क इज नॉट जस्ट द प्रोडक्ट, इट इज ऑल्सो द कंटेंट। आपने क्या उसके अंदर सोच डाली हुई है, जब तक उस चीज के ऊपर एक बेसिक नहीं आता तब तक कोई फायदा नहीं होता। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट की भी बात करें, मान लीजिए अगर हम किससे कंपेयर करेंगे, मैं अनफॉर्चुनेटली मैं बार बार विजुअल आर्ट और पेंटिंग्स की तरफ बात कर रहा हूँ क्योंकि दैट इज द इजीएस्ट। नहीं प्लीज प्लीज गो अहेड, या या इट इज रेलेवेंट टू एवरीथिंग, इट इज रेलेवेंट टू ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्ट। मान लीजिए अगर मैं एक पेंटिंग को कंपेयर करता हूँ तो पेंटिंग क्या करती है, पेंटिंग पे दीवार पे जो है टंगती है, तो जो दीवार का एरिया है अगर पेंटिंग पर टंगती तो क्या टंगता, आप उससे कंपेयर करिए, क्या कोई पोस्टर टंगता किसी की? तो इस तरह से अगर हम कंपेयर करें, और एक एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली अगर आपका बायर है आपके काम का, तो उसकी पेइंग कैपेसिटी उसी हिसाब से, जब तक कि आपका काम उस कलेक्टर तक नहीं पहुंचता जो उसको एक आर्टिस्टिक फॉर्म की तरह जो है अप्रिशिएट कर पाए, उस समय तक आपको सरवाइव करना जरूरी है। तब तक कि आपकी आर्ट को समझ पाए लोग, आपको उस समय तक सरवाइव करना जरूरी है। इसलिए मैं ये समझता हूँ जो आपके स्केचेस वगैरह हैं छोटे हैं, 1,000, 2,000, 4,000, 5,000, मुझे लगता है पेंटिंग्स भी हैं 1 बाय 2 फुट की भी, 5, 10, 15,000, इससे ज्यादा नहीं मांगने चाहिए। मुझे लगता है नेगोशिएशन इन चीजों को जाने देना चाहिए। जब आप गैलरी से करें, मुझे लगता है कि
मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ है कि कमीशन पे देने से बेहतर है उनसे डायरेक्ट बात कर लेना, क्योंकि फिर एक चीज जब वो आपको पैसे दे देते हैं तब आप उनके जो है वो जेब से गई हुई चीज है उन्हें वापस लानी जरूरी है, आप उनके पास सिर्फ रखवाते हैं काम को तो वो सिर्फ रखी रहती है, और अगर आप पता चला 3 महीने के बाद गए तो वो काम कहीं पीछे पड़ा हुआ है, वो दिखा भी नहीं रहे किसी को क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं रहता, ऐसा मुझे लगता है। सारी गैलरीज के साथ नहीं है लेकिन मुझे लगता है एज अ स्टार्टिंग ऑफ पीरियड, बिकॉज क्या हुआ आपके पास इमीजिएटली पैसे आते हैं, आप इमीजिएटली उन पैसों को री इन्वेस्ट कर सकते हैं नए कलर्स नई चीजों के अंदर। मान लीजिए आपने कोई नई ज्वेलरी डिजाइन करी, गेट इट आउट देयर, लेट पीपल टॉक अबाउट योर वर्क, और जो उससे पैसा इमीजिएटली आया यू कैन यूज दैट मनी इमीजिएटली टू स्टार्ट डूइंग समथिंग न्यू, क्योंकि एक्सपेरिमेंटेशन के लिए भी पैसा है। बहुत सही यार, बहुत टेक्निकल है, मतलब आप सोचिए कितनी अच्छी अच्छी चीजें आपको पता चल रही है इस सेशन में, कि पहले तो अगर आप इनिशियल लेवल पे हैं तो ज्यादा पैसे कमाने की जरूर सोचिए, ज्यादा कमाने की नहीं सोचिए, मल्टीपल पेंटिंग्स बेचिए, 5,000-5,000 रुपए की 10 बेचेंगे तो 50,000 कमा लेंगे, अगर आप 50,000 की एक बेचने के चक्कर में रहेंगे तो शायद वो प्रॉब्लम होगी, तब तक आप यही करें जब तक आप अपने पोटेंशियल बायर्स के पास नहीं पहुंच जाते। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, अगर जब गैलरी से बात कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है बट कोशिश ये रहनी चाहिए कि वो खरीद ले आपकी पेंटिंग, कुछ पैसे कम में ही खरीदे, क्योंकि वो खरीद लेगा तो उसको जरूर बेचेगा और आपकी पेंटिंग कहीं किसी आर्ट अप्रिशिएटर के वॉल पे होगी। अगर आपने उनको बोल दिया कि नहीं भाई मैं इतने 10 लाख रुपए से कम में बेचूंगा नहीं और बिकेगी तो आप मेरे को 60% 70% जो भी है कमीशन दे दीजिएगा, तो वो शायद उसमें उतना दिमाग ना लगाए कि ठीक है जब बिकेगी तो बिकेगी। ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन हमारे आज के स्पीकर के अक्षत का था। अक्षत, हमारी ऑनरेबल HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट मिसेस डॉक्टर नीतू मल्होत्रा वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन। मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ, काफी देर से हमने वेट करा रखा है, सो सॉरी फॉर दैट मैम, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू उज्जवल, थैंक यू अक्षत सर, आई बिहाफ ऑफ सत्यम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन वुड लाइक टू थैंक यू फॉर द वंडरफुल सेशन। And I would like to thank Dr. Vandana Jaglan, principal and entire management for giving us the opportunity to organize this session. Sir, आपने जैसा कहा बहुत अच्छे points लगे। सबसे पहले तो जो उज्जवल जी ने ये topic सुना था how to survive as an artist, तो how to survive as an artist हमारे यहाँ जो students हैं foundation के तो उनको ही foundation में उज्जवल is also an artist and आप भी artist हैं तो इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि पेंटिंग्स ही उनको स्टार्टिंग में सिखा देते हैं कि बच्चे पेंटिंग्स के थ्रू ही अपने आइडियाज पोर्ट्रे कर पाते हैं। तो मेरे जो मैंने आपके इस सेशन से सीखा, बहुत कुछ सीखा, जो मुझे पॉइंट्स अच्छे लगे, सबसे पहले तो जब आर्टिस्ट रचता है वो रचता है एक बात, देन बाहर बिकता है वो उसकी सेकेंड नजर हो जाती है। जब एक आर्टिस्ट और डिजाइनर मिल जाए, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं फैशन डिजाइन के भी हैं, टेक्सटाइल के भी हैं, लाइफस्टाइल के भी हैं, फैशन कम्युनिकेशन के भी हैं, PGFD के भी हैं, तो जब आर्टिस्ट और डिजाइनर मिल जाए तो क्रिएटिविटी, आर्टिस्ट भी सरवाइव हो सकता है क्योंकि जो लोग खरीदते हैं बाहर डिजाइन, वो ये देख के खरीदते हैं कि ये बैग है, ये डिजाइन अच्छा है, ये टॉप अच्छी है, ड्रेस अच्छी है, तो जो आइडियाज माइंड में आ रहे हैं जब आर्ट और डिजाइन आपस में मिल जाए तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है और एक बहुत अच्छी कनेक्शन निकल जाती है। सेकेंड पॉइंट, आपने कहा कि हमेशा लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं। स्टूडेंट्स जब पर्सपेक्टिव अपना लेके चलते हैं शॉर्ट टर्म का कि हमें असाइनमेंट करना है या हमें पेंटिंग बनानी है शॉर्ट टर्म की के लिए या गारमेंट बनाना है, अगर लॉन्ग टर्म उसका सोचेंगे कि किस तरीके से ये एक यादगार बन के रह जाए, जो कोई भी देखे बाहर जाके कि सोचे ये कलेक्शन बनी है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर कोई सोचेगा ऐसे ही स्टडीज को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, ये नहीं कि एक असाइनमेंट ही करना है, ये सोच के चले कि हमें ये आगे तक लेके जाना है ताकि जब हम जॉब करें तो ये आगे तक जाए, तो वो पॉइंट मुझे आपका बहुत अच्छा लगा, मैंने उससे कनेक्ट किया। थर्ड, आपने जो एक पॉइंट बोला कि आप जब अपने यंग एज में गिफ्ट देते थे तो अपने हाथ से बना के देते थे, सबसे अच्छी चीज वो लगी मुझे, क्योंकि अगर जैसे हम मार्केट से परचेज करके दे देते हैं तो बींग एंड मतलब प्रोफेशनल एंड ये स्टूडेंट्स भी जो सारे हमारे साथ कनेक्टेड हैं तो वो अगर ये सोच के कि चाहे छोटा सा ही गिफ्ट दे मगर अपने हाथ से बना के दे तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन एंड थैंक यू फॉर दिस क्रिएटिव सेशन। थैंक यू सो मच। तो मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगी कि हमारे स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे यहाँ पर,
आप उन्हें अपना आइडियाज दीजिए कि किस तरीके से वो आर्ट को कलेक्शंस पे शो कर सकते हैं, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओह वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। ये मैम ने जो क्वेश्चन पूछा अक्षत, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू लाइक यू टू कमेंट ऑन दैट, कि ये जो डिजाइनर बच्चे हैं जो कि ज्वेलरीज डिजाइन कर रहे हैं, जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ इंटीरियर के प्रोडक्ट्स डिजाइन कर रहे हैं जिनको हम लाइफस्टाइल एक्सेसरीज बोलते हैं या फैशन डिजाइन कर रहे हैं, उनमें आर्ट को कैसे इनकॉर्पोरेट करें, या कुछ ऐसी टेक्निक या कोई ऐसी चीज आप बता पाए, डिजाइन प्रोसेस कुछ बता पाए जिससे वो और भी ज्यादा एक्सक्लूसिव उनका डिजाइन हो जाए विद द एमलगेमेशन ऑफ आर्ट। उज्जवल, बड़ी कोई आज नई चीज नहीं होगी, ये जो फ्यूजन है ना आर्ट और जो यूटिलिटी प्रोडक्ट, यूटिलिटी प्रोडक्ट जो बनते हैं, जो डिजाइन होता है, उसकी सबसे पहली परिभाषा ये होती है कि वो यूटिलिटी के लिए, तो अगर वो बैग बन रहा है और अगर वो ज्यादा छोटा रहेगा या वो नीचे से खुला है तो बेकार है। सो फर्स्ट थिंग इज द यूटिलाइजेशन, किस चीज के लिए इस्तेमाल होने वाला है। मान लीजिए कोई पहनावे की चीज है तो जिस पर्पस के लिए है वो पर्पस जरूर सॉल्व होना चाहिए, सबसे पहली चीज है। एस्थेटिक्स और आर्ट, जो क्रिएटिविटी हम उसके अंदर डालेंगे, फिर वो चाहे रंगों के थ्रू हो चाहे मटीरियल के थ्रू हो। मान लीजिए अगर मैं जो है वो बांधनी प्रिंट जो है लेकर जो है वो साड़ी का, या जो है मैं जो आपके जो जो आपका हैंडल, जो बैग का हैंडल है वो बांधनी के रूप से हो, या इस तरीके की कोई नई चीज है जो मैं, आई एम श्योर कि ये ऑलरेडी हो चुका है वैसे जो मैंने कहा है, बट इस तरीके के फ्यूजन्स या इस तरीके की चीजें जो इंटरडिसिप्लिनरी होती है। मान लीजिए एक जो हमारी डांसिंग गर्ल वाला जो हरप्पन सिविलाइजेशन की बड़ी फेमस एक वो है, अगर उस टाइप की ही इमेज, अगर हमारी इमेजेस को यूज करते हुए बैग पे प्रिंट्स लिए जाते हैं, जैसे कोई इजिप्ट का होगा बैग और इंडिया का बैग होगा, दे शुड बी आइडेंटिफाइबल। तो मुझे लगता है कि जो एक डिजाइनर है ना, उसका रोल एक स्टेप और आगे बढ़ जाता है, क्योंकि ना सिर्फ वो चीज सुंदर लगनी चाहिए या एस्थेटिकली करेक्ट लगनी चाहिए, उस चीज को जो भी चीज वो बना रहे हैं उसका एक पर्पस है, वो यूटिलाइज होना चाहिए, उसकी एक लाइफ होनी चाहिए, जिस मटेरियल में वो बने हो वो इस तरह से होना चाहिए कि जिस भी पर्पस के लिए वो बना है उसमें वो सर्वाइव कर सके। अगर मैं पेपर मैशे के, अगर मैं पेपर से जो है वो इयररिंग्स बनाऊंगा तो शायद हो सकता है मुश्किल हो जाए, या नेकलेस बनाऊं तो उसकी सर्वाइवल थोड़ी सी लिमिटेड रहेगी, अनलेस कि मैं उसे ट्रीट करके प्रॉपरली जो है वो कोटिंग दूं ताकि वो एक लॉन्ग लास्टिंग चीज बने। सो डिजाइनर हैज टू वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स टू प्ले, मेक इट ब्यूटिफुल एट द सेम टाइम। वेरी वेल सेड। डिजाइनर्स, yeah Akshat, you were saying something, I have interrupted you. No, I completed it. Yeah, okay. So designers, especially for designers who are our attendees today, aap art sabse pehle to design should be utility based, jo Akshat ne bola, fir durable hona chahiye, fir wo product hai to bikna chahiye, bahut important hai. Akshat ka aap wo reference le lijiye jab ye Russia gaye the, aur masters ke painting se bhi zyada yahan ke painters ne apna wo rakh rakha tha to wo bikega nahi, and very important to incorporate exclusivity in it, you can add your art and your aesthetics. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने समझाया कि इंडस वैली की डांसिंग गर्ल है या इजिप्शियन कुछ मोटिव्स हैं या कुछ कुछ भी है, ऑल ओवर वर्ल्ड से आप उनको यूज कीजिए तो शायद एक्सक्लूसिविटी बढ़ जाएगी उसकी। सो इट वॉज वंडरफुल सेशन विद यू अक्षत, बहुत अच्छा लगा, बहुत जानकारी मिली, और सबसे बड़ी बात है आर्ट में एक आयरनी है कि ऑलवेज वी यूज टू टॉक वेरी बिग थिंग्स, बड़ी बड़ी बातें, म्यूजियम्स कैसे चलेंगे, आर्ट का फ्यूचर क्या होगा, हारमोनी क्या होती है और रिदम क्या होता है आर्ट में, बट नोबडी टॉक्स कि भैया रोजी रोटी कहाँ से आएगी आर्ट के थ्रू, हम पढ़ाई कैसे करें, हम ये एकेडमिक्स और मार्केट के बीच में संतुलन कैसे बनाए। सो ये आई एम वेरी मच श्योर दैट आज के सेशन से, अक्षत से बात करके ये चीजें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी, एंड वेरी वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट अभी हमारे साथ आवर ऑनरेबल प्रिंसिपल डॉक्टर वंदना जागलान इज विद अस। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डॉक्टर वंदना जागलान, इफ यू आर देयर, आई एम अनम्यूटिंग यू, यू कैन गिव वोट ऑफ थैंक्स टू आवर ऑनरेबल स्पीकर। नमस्ते अक्षत जी। नमस्ते। आई एम डॉक्टर वंदना जागलान, एक्चुअली आई वॉज ड्राइविंग बट मैंने तभी सेशन ऑन कर लिया था, आई वॉज हियरिंग एंटायर कॉन्वर्सेशन। मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी, जो बहुत प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन आज का रहा, मतलब आप जिस सिंप्लिसिटी से छोटी छोटी चीजें जितनी डिटेलिंग में आप बता रहे थे सबको, उससे एक होपफुल बनता है इंसान। डिजाइनर है चाहे वो आर्टिस्ट है, वो होपफुल बनता है,
ओके आई कैन डू दिस, चाहे मैं बिगनर हूँ चाहे मैं एक्सपीरियंस पर्सन हूँ, एटलीस्ट आई कैन डू दिस. सो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, इट जस्ट यू नो टच माई हार्ट. एंड अनदर थिंग, जो अभी हम बात कर रहे थे फंक्शनैलिटी डिजाइन की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू आर्ट, या कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, वो बैलेंस बनाना भी जरूरी है. तो मुझे बहुत अच्छी चीज लगी जब आप एग्जाम्पल दे रहे थे यू नो कॉस्टिंग के लिए, कि दीवार पर क्या अच्छा लग सकता है. बहुत छोटी सी चीज है वो, ये एक इतना प्रैक्टिकल फॉर्मूला है कि आप कॉस्टिंग को एकदम समझ जाएंगे. मतलब ये पर्सपेक्टिव आपने दिया, आई एम रियली थैंकफुल. इतना सिंपल सी वो चीज थी कि अगर मैं पेंटिंग ना लगाऊं तो मैं क्या लगाऊं, दैट कुड बी अ सिंपल क्लॉक, मे बी जस्ट कॉस्टिंग 500 रुपीज, देन डू आई रियली वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन अ पेंटिंग. सो इतनी अच्छी चीज लगी वो मुझे. पर हाँ, ये चीज मैं जरूर कहूंगी कि फंक्शनैलिटी कहीं ना कहीं चीजों की है, एस्थेटिक्स जरूर है, एस्थेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जैसे अब हम आजकल देख रहे हैं फंक्शनैलिटी, मास्क को ही देखें, इट्स अ फंक्शनल प्रोडक्ट. बट अगर आज यू सी, यू ओपन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, देयर इज सो मच क्रिएटिविटी विच इज हैपनिंग. कोई उसको पेंट कर रहा है, कोई उसको डाई कर रहा है, कोई उसके ऊपर सीक्वेंस लगा रहा है, कोई उसको डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक्स से बना रहे हैं, कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं. सो आई थिंक फंक्शनैलिटी वाज देयर, बट एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू गिव देयर पर्सपेक्टिव एज वेल, कि क्या मेरा एक डिजाइन सेटिस्फेक्शन है वो मुझे कैसे मिलेगा. तो ये चीज आई थिंक फंक्शनैलिटी और मतलब आर्ट एंड डिजाइन का जो भी नीतू भी बता रहे थे कि कॉम्बिनेशन, आई थिंक वो बहुत नेसेसरी है हमारे स्टूडेंट्स हो या फॉर दैट मैटर कोई भी हो जो कि इस फील्ड में आना चाहता है. ये प्रैक्टिकलिटी की डिजाइन फंक्शनल है प्लस डिजाइन ब्यूटीफुल है, वो हमेशा रहेगा, दैट विल बी द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री. और जैसे आप कलेक्टर का पॉइंट बता रहे थे, मैं सिर्फ अपनी इंडस्ट्री में, आई एम अ डिजाइन एजुकेटर, इट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड, वी नो, ऑल ऑफ अस नो, इट टेक्स इंस्पिरेशन फ्रॉम ऑल गैमेट ऑफ यू नो एंटायर गैमेट ऑफ यू नो डिफरेंट फील्ड्स. सो जैसे आप कलेक्टर की बात कर रहे थे, तो शायद मैं थोड़ा सा उसके ऊपर ये ऐड करना चाहूंगी कि सेलिब्रिटीज, अगर हम अपनी फील्ड की बात करें कि सेलिब्रिटीज हैं, मास कलेक्शन हो या डिजाइनर कलेक्शन हो, पहले सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स आ जाती हैं, जिससे कि उसको एक आइडेंटिफिकेशन मिल जाती है मार्केट में. सो ऑटोमेटिकली पीपल ट्राई टू रिलेट टू इट, चाहे वो प्रोडक्ट से उतना रिलेट ना करे, वो अपने रोल मॉडल से पहले कनेक्ट कर जाते हैं. वो सोचते हैं, ओके दिस इज समथिंग माय रोल मॉडल इज वेयरिंग, आई नीड टू डू दिस, आई नीड टू ट्राई दिस फुटवेयर, आई नीड टू ट्राई दिस इयररिंग, व्हाटएवर. सो वो कनेक्शन भी कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है, चाहे वो मास मार्केट हो चाहे डिजाइनर मार्केट हो. सो आई गेस इट इज एब्सोल्युटली यू नो इक्वेशन बेसिकली विच वी एज डिजाइनर्स और एज आर्टिस्ट वी कैन क्रिएट, दैट इज मच नीडेड. एंड इसी वजह से जो आपका सेशन है, इतनी छोटी छोटी चीजें थी बट इतना प्रैक्टिकल सोल्यूशन आपने दिया, तो मुझे लग रहा है वो हर एक को कनेक्ट करता है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, एंड इट वॉज लवली हियरिंग यू, बहुत अच्छा लगा. एंड अभी जैसे उज्जवल बता ही रहे थे कि जो इनिशिएटिव हमने आर्ट पे चर्चा कर लिया, ऑल आवर सेशंस हैव बीन रियली फ्रूटफुल, एवरीबॉडी हैज गिवन देयर बेस्ट पर्सपेक्टिव्स, इवन सतादुरु इज देयर, आई कैन सी हिम, इट इज सो गुड टू कनेक्ट अगेन वंस अगेन. सो वी आर रियली हैप्पी दैट यू ऑल आर एक्सटेंडिंग योर नॉलेज, शेयरिंग योर नॉलेज विद अस, एंड स्पेशली थैंक्स टू उज्जवल. So bringing out this brilliant idea, and definitely will continue post COVID or COVID, whatever. We are going to continue with that, is very much needed. So, and special thanks. Please, ma'am. The support system of Satyam Group of Institutions, जो हमारी backbone है, हमारा management, chairperson, secretary sir, everybody, and our academic team. HOD है हमारी डॉक्टर नीतू, वो भी यहाँ पर है, उज्जवल इज देयर, सम ऑफ आवर फैकल्टी मेंबर्स हैव आल्सो जॉइंड. सो इट्स सो वंडरफुल दैट एवरीबॉडी इज कोऑर्डिनेटिंग फॉर दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव, इट्स लवली. सो थैंक यू वेरी मच अक्षय जी, स्पेशल थैंक्स आपको, इतना अच्छा हमें यू नो टॉक या डिस्कशन का, एंड थैंक्स अगेन उज्जवल. सो ओवर टू यू, प्लीज रिमार्क्स. मैं थोड़ा सा स्टैंड चेंज करता हूँ. मैं पहले ऑन द बिहाफ ऑफ सत्यम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस सब लोगों को थैंक यू बोल रहा था और एट द इनिशियल लेवल ऑफ दिस सेशन. अब मैं उधर जाके ऑन द बिहाफ ऑफ द होल आर्ट एंड डिजाइन फ्रेटर्निटी, आई वुड लाइक टू थैंक्स द होल सत्यम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन टू क्रिएट सच अ ब्रिलियंट प्लेटफॉर्म, सच अ इन्फॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म. अक्षत जी बहुत बहुत शुक्रिया आप आए और इतना सब कुछ आपने हमारे साथ शेयर किया. आई एम श्योर कि हमारे अटेंडीज बहुत सारे, आप चेक कर सकते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, सच अ वंडरफुल इंस्पिरेशन सेशन, थैंक यू सो मच, एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग. सो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे.
अगले वीक फिर से मिलेंगे आप लोगों के साथ आर्ट पे चर्चा में एक नए टॉपिक और एक नए स्पीकर के साथ. शुक्रिया. थैंक यू.